और अब इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। राम मंदिर से बड़ी खबर, राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है, ये दावा किया है मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का दावा कि पहली बारिश में ही मंदिर से पानी टपकने लगा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर, रामलला विराजित हैं वहां पर। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने। यहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है, इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है और काल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सन सब बंद हो जाएगा। तो सत्येंद्र दास को आपने सुना, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, सत्येंद्र दास का ये दावा काफी चौंकाने वाला भी है, तो ये पानी टपकने की खबर क्या इसलिए है क्योंकि मंदिर निर्माण का कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, निर्माण की वजह से या किसी और वजह से, क्या जानकारी? देखिए राकेश, सत्येंद्र दास ने दावा किया है कि चूंकि अभी मंदिर निर्माणाधीन है, 2025 में बनकर तैयार होगा, तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां से पानी आने की संभावना हो सकती है क्योंकि उस पर काम चल रहा है। और सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं रामलला के, उनका यही कहना है कि मंदिर में पहली बारिश में पानी आ रहा है और अगर ये चीज ठीक नहीं कराई गई तो जब जब बारिश होगी तब तक वहां पर व्यवधान आ सकता है, दर्शन करने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी उन्होंने आग्रह किया है, ट्रस्ट के पदाधिकारी चूंकि दिल्ली बैठक में है वहां पर मौजूद है, लेकिन चीजों को दुरुस्त कराया जाएगा ऐसा ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है। चूंकि अभी शिखर बन के तैयार नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है, तो कुछ इससे ऐसे हैं जहां से पानी रिसने की संभावना हो सकती है। तो ये जो अभी मौजूदा स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सत्येंद्र दास का दावा है और ट्रस्ट की ओर से इन चीजों को दिखवाया जा रहा है, चूंकि काम चल रहा है उस पर चीजों को दुरुस्त कराया जाएगा। अभी प्री मानसून की पहली बारिश, लेकिन अभी तो पूरा मानसून पड़ा है मनीष, पूरी बरसात अभी पड़ी है, तेज बारिश होगी और अगर चूंकि मंदिर निर्माणाधीन है ऊपर के तल अभी बन रहे हैं तो कई जगहों से पानी रिस कर आने की संभावना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसको बहुत जल्द दुरुस्त करना होगा ताकि जो दर्शनार्थी वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन्हें रामलला के दर्शन करने में किसी तरीके का व्यवधान ना हो। बिल्कुल राकेश, इस चीज को दिखवाना बहुत जरूरी है क्योंकि हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। जून के महीने में जब तपती गर्मी में अयोध्या थी उसके बावजूद भी गर्मी के को बेअसर करते हुए वहां पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से बाहर के हिस्सों के देश विदेश के लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। ऐसे में जब मानसून आएगा और लगातार बारिश होगी तो अगर ऐसी दिक्कतें आएंगी तो दर्शन करने में दिक्कत स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में सत्येंद्र दास ने जो आग्रह किया है ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, चीजों को दिखवाया जाएगा, दुरुस्त कराया जाएगा ताकि रामलला के प्रांगण में कहीं भी पानी आने की संभावना ना हो सके। जिन हिस्सों से पानी रिस रहा है, जिन हिस्सों से पानी आ रहा है, उन्हें ठीक करवाया जाएगा, ऐसा जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनका कहना है। ठीक है, चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर पर पूरा अपडेट देने के लिए। फिलहाल आगे अब रुख करते हैं बिग एंड बोल्ड की अगली स्टोरी के लिए। दिनेश गौतम।